उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। आज शाम 5 बजे विधायक दल की बैठक में इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आज प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत ने विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की शपथ ली। अब विधायकों को शपथ दिलाई जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री और मंत्रियों की शपथ होना अभी बाकी है, क्योंकि विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद पार्टी बीजेपी की तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और उसके बाद शपथ ग्रहण की तारीख और समय निश्चित होगा। इस समय उत्तराखंड विधानसभा में तमाम विधायकों की शपथ ग्रहण का समारोह चल रहा है। विधायक की शपथ ग्रहण का समारोह दोपहर 3 बजे तक चलेगा और उसके बाद शाम 5 बजे बीजेपी मुख्यालय देहरादून में विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें औपचारिक रूप से बीजेपी विधायक दल के नेता के तौर पर उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के चेहरे का चुनाव होगा। अब आपको सुनाते हैं उत्तराखंड में कौन बनेगा सीएम के सवाल पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर धामी क्या कह रहे हैं। भाई, सभी निर्वाचित नए सदस्यों को मैं अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, सबको शुभकामनाएं देता हूं, सबको बधाई देता हूं कि आज से वो ठीक रूप से, वैधानिक रूप से, संवैधानिक रूप से अपनी शपथ लेंगे और शपथ लेने के बाद विधानसभा के सदस्य के रूप में अपने अपने क्षेत्रों में काम करेंगे, उत्तराखंड राज्य के लिए काम करेंगे। विधायक दल की बैठक आज शाम 5:30 बजे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में होगी और केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी पर्यवेक्षक के रूप में रहेंगे। सभी विधायक हमारे पहुंच गए हैं, ठीक टाइम से बैठे। सर, आपका भी नाम आ रहा है, अभी शाम को तय हो जाएगा। चलिए, इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे रुख करते हैं नीरज पांडे का, हमारे संवाददाता जो कि जुड़े हुए हैं वहीं से हमारे साथ। नीरज, क्योंकि अभी तक ये सवाल ही बना हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन वो चेहरा होगा जिस पर मुहर लग पाएगी, अभी क्या कुछ वहां पर हलचल है? जी बिल्कुल, सस्पेंस अभी भी सीरीन बरकरार है। फिलहाल विधायकों की शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा है विधानसभा में, हम इस समय मौजूद हैं और 3 बजे तक, जैसा विकास ने बताया अभी कि 3 बजे तक ये कार्यक्रम चलने वाला है, लेकिन इस बीच करीब 2:30 बजे के आसपास राजनाथ सिंह यहाँ पहुँच रहे हैं। राजनाथ सिंह पहले बीजापुर गेस्ट हाउस में भाजपा के जो कोर टीम है उनके साथ बैठक करेंगे और उसके बाद 5 बजे भारतीय जनता पार्टी का जो राज्य का कार्यालय है वहाँ विधायकों की बैठक में बतौर पर्यवेक्षक शामिल होंगे और उसी समय ये नाम तय हो जाएगा। तो वो सस्पेंस जो है वो करीब 5:45 के आसपास खुल जाएगा कि फिर से उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा, धामी रिपीट होंगे या कोई नया चेहरा आएगा या सांसद हैं, क्योंकि सांसदों को भी इस बैठक में, जो 2 राज्यसभा सांसद हैं और 5 लोकसभा सांसद, उन सबको इस विधायक दल की बैठक में बुलाया गया है। तो फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है कि विधायकों में से ही कोई नया मुख्यमंत्री होगा या सांसदों में से भी कोई मुख्यमंत्री बन सकता है या पुष्कर धामी को फिर से रिपीट किया जा सकता है। इन सब पे अभी संशय बरकरार है, लेकिन 5:15 बजे के बाद तस्वीर क्लियर हो जाएगी। जी विकास, तो आपके पास आएंगे। नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए और भीतर की खबर आपसे जानने की कोशिश करेंगे। तब तक हम आपको कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई और नैनीताल से चुनाव जीतने वाली सरिता आर्य ने एबीपी न्यूज संवाददाता ध्रुव मिश्रा से बात की। कांग्रेस से भाजपा में आई सरिता आर्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, सही समय पर सही फैसला लिया? नहीं, मैं देखिए, वो ऊपर वाला जो करता है अच्छा करता है। एक समीकरण चेंज हुए, उसी समीकरण जब चेंज हुए तो मैंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और शीर्ष नेतृत्व ने मुझे जो एक टिकट दे के दिया तो मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ और सबसे ज़्यादा मैं कार्यकर्ताओं का और अपने देवतुल्य जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगी कि उन्होंने मुझे नैनीताल की विधायक बनाया। मैं सबका बहुत बहुत आभार और उनको आश्वासन भी देती हूँ कि नैनीताल की जनता के साथ मिलकर हम लोग नैनीताल को काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। आज शपथ ग्रहण है, उसके बाद विधायक दल की बैठक भी है, कुछ पता चला है सीएम के चेहरे को लेकर कोई बात? अभी ऐसा कुछ नहीं पता चला। ये थी सरिता आर्य जी जो नैनीताल से विधायक हैं, जिनका कहना है कि अभी सीएम को लेकर किसी को कोई भी खबर नहीं है, लेकिन शाम को जो 5 बजे विधायक दल की बैठक होगी उसमें कहीं ना कहीं तस्वीर साफ हो जाएगी। कैमरा पर्सन सुखबीर के साथ ध्रुव मिश्रा, एबीपी न्यूज देहरादून। और इधर हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत भी विधानसभा पहुंची हैं। अनुपमा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी से विपक्ष की भूमिका निभाएगी। क्या कुछ और उन्होंने कहा है, सुनिए। हमारे साथ बात करेंगे अनुपमा रावत जी, हरीश रावत जी की बेटी हैं। मैडम, हरीश जी तो चुनाव हार गए, लेकिन विपक्ष के तौर पर आप लोगों की क्या भूमिका रहेगी? अब देखिए, हम पूरी मजबूती से
चाहे हमारे नंबर कम हो सदन में, लेकिन हमारा जज्बा कम नहीं है। हम जहां पर सहयोग की ज़रूरत होगी सहयोग भी करेंगे, अगर कोई अच्छा कार्य होगा, और अगर कहीं गलत होता हुआ दिखेगा प्रदेश के लोगों के लिए, तो पूरी जो विपक्ष की एक भूमिका होती है चेक्स एंड बैलेंसेस की, वो करने का कार्य करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, चाहे सदन हो या सदन के बाहर हो। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना नेता नहीं चुन पाई है, मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक चयन नहीं हुआ, आज शाम को वो बैठक होगी और उसमें, तो आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर कौन व्यक्ति हो सकता है, या किसे भारतीय जनता पार्टी, खैर ये भारतीय जनता पार्टी का अपना मत है, लेकिन फिर भी आपके आपके मन में क्या है, क्या लगता नहीं कि 10 दिन हो गया, थोड़ा सा लेट हुआ है? देखिए, ये भाजपा का अपना अंदरूनी मैटर है, लेकिन हमारा तो कहना बस ये है कि अब जो भी दें वो स्थायी दें। भाई 5 साल के लिए अगर जनता ने उनको मैंडेट दिया है प्रदेश में कार्य करने का, तो भाई ऐसा दें जो कि 5 साल जो है सही तरीके से कार्य करें, और ये नहीं कि आज ये दे दी 1 साल वाली स्थिति। हाँ ना ना ना, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 1 साल क्या, 5 साल में 3-3 बदल दिए, ठीक है। अब मैंडेट बीजेपी के पक्ष में आया है, और लोकतंत्र में जो जनता है उसका फैसला सर्वमाथे पर होता है। हमको विपक्ष में बैठने की भूमिका मिली, हम विपक्ष में बैठ के अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, लेकिन अगर उनको सरकार बनाने की वो मिला है, तो वो यही उम्मीद करेंगे कि जो नई गवर्नमेंट बने वो कार्य अच्छा करे। हमसे बात करें, अनुपमा रावत जी थी, साफ तौर पर कह रही हैं कि जो भी दें अस्थाई दें, भारतीय जनता पार्टी जिस नेता को भी चुने अस्थाई नेता दे, ये ना हो कि 5 साल में बार बार नेता बदला जाए। कैमरा कपिल मिश्रा, नीरज पांडे, बीपी न्यूज, देहरादून। तब आपको उत्तराखंड के खानपुर से निर्दलीय विधायक और पूर्व पत्रकार उमेश शर्मा का क्या कहना है वो सुनवाते हैं। उन्होंने पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया है। साथ बात करने हैं खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा जी। उमेश जी, आपने तो चिट्ठी लिखकर धमाली मचा दिया कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, अगर धामी जी बनते हैं तो उनके लिए आप सीट छोड़ने के लिए भी तैयार हैं? जी बिल्कुल, मैंने सही कहा था, और मैंने कहा था कि भाई जो मैंने अपने घोषणा पत्र में क्षेत्र की जनता से वादे किए हैं, वो वादे अगर आप पूरे करते हैं तो इसमें बुराई क्या है कि अगर मेरी विधायकी छोड़ने से मेरी क्षेत्र की जनता के सारे काम हो जाए जो मैंने 5 साल में करने के वादे किए हैं, और उनको मुख्यमंत्री उनका क्षेत्रीय विधायक मिल जाए, तो इसमें बुराई क्या है? वादे पे कायम है? मैं बिल्कुल कायम हूँ। शुभकामनाएं, शपथ लीजिए आप। उमेश शर्मा जी हैं खानपुर से निर्दलीय विधायक हैं, और इन्होंने पत्र लिखकर बाकायदा इस बात के लिए वादा किया है कि यदि धामी को मुख्यमंत्री रिपीट करती भारतीय जनता पार्टी, तो उनके लिए अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार है। कैमरन कपिल के साथ नीरज पांडे, बीपी न्यूज, देहरादून। ABP News, आपको रखे आगे।